हेलो एवरीवन, ऑडिबल। चलो सबको आने दो, एक बार थोड़ा सा इंतजार, सारे लोग ज्वाइन कर लें एक बार। चलिए तो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं सो। तो अर्थमेटिक आज से शुरू हो रहा है, पंखे की आवाज आ रही है। अब देखो, ठीक है, चलो आप सही आ रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्थमेटिक को मैं बनाऊंगा हलवा आज से, ठीक है। एक आप कमिटमेंट मुझे करिए, एक कमिटमेंट मुझे कीजिए कि आप क्लास, कोई भी क्लास मेरी छोड़ोगे नहीं, और लाइव आना है, रिकॉर्डेड नहीं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो एक बार आए हैं एक बार हैंड रेस कर लो, एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। इतने में दो चार लोग आ जाएंगे, लेट्स हैव अ टॉक विद सम पीपल। तो बात की जाती है, कुछ लोगों से बात करते हैं। हैंड रेस करो, बहुत अच्छा, 1.5 घंटे की क्लास होगी, आपको मजा आएगा पूरा, है ना। हैंड रेस करो, आपके पास एक इन्विटेशन आएगा, आपको उस इन्विटेशन को क्या करना है, पिक करना है। इतने में लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इतने में सारे लोगों को आने देते हैं। लोगों से बात करते हैं, अर्थमेटिक में क्या इश्यूज है। हाँ, तो कॉल कनेक्ट हुई हमारी, शुभम। शुभम अपने आपको अनम्यूट करो। चलो जो भी बंदा आ रहा है बेटा, तुरंत कॉल पिक करो, इतना टाइम नहीं होता। रैंडमली कॉल लग जाती है किसी पे भी, तुरंत कॉल पिक कर लिया कर। कौन है लाइन पे, आपको बोलना भी है, कौन है? संद्रिका। हेलो सर। हाँ जी, बताइए मैम। यस सर। अर्थमेटिक में क्या प्रॉब्लम होती है सर? एक्चुअली कॉन्सेप्ट बस मेरा मतलब कमजोर है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते हैं मुझसे लगता नहीं है। क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आपने क्या मतलब महसूस किया कि अर्थमेटिक को कब से तैयारी कर रही हैं आप? सर लगभग 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने मतलब खुद से ही? आप पहली बार मुझसे प्लस में पढ़ने आई है? सर क्लास में तो पढ़ते हैं, लेकिन मतलब आपका यूट्यूब चैनल देखते रहते थे। चलो, उम्मीद करता हूँ कि अब 2 महीने बाद हम लोग जब मिलेंगे तो आप कहोगे मेरा सिलेक्शन सर प्रीम, मेरा क्वालिफाई हो गया। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को लगे कि मुझसे बात नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज। फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे कि आपको यहाँ पे देखा होगा, इन्होंने बताया कि भाई अर्थमेटिक एग्जाम में ऐसा फील होता है कि होता ही नहीं है। ये आपके साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ समस्या होती है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिमाग में घुस जाता है, लेकिन जब एग्जाम में करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि यार क्या करे, कहाँ से शुरू करे, इक्वेशन कैसे बनाए, है ना, कैसे बनाए इक्वेशन, समझ ही नहीं आता। तो अर्थमेटिक को जब हम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले एक चीज आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रही है, उसका नाम है फ्रैक्शनल वैल्यू कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसका? किसी भी परसेंटेज को सुनते रहना, है ना, जो सवाल लाए तुरंत पूछना। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना
फ्रैक्शन में बदलना। कोई इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन तो नहीं ना कि एनी परसेंटेज है ना वी कैन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, वो हम सीखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू कॉन्सेप्ट के अंदर। आप सभी जानते हो कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% बेसिकली जो परसेंटेज है उसका मतलब ही है 1/100, जो परसेंटेज है उसका मतलब भी 1/100 है। तो 100% का मतलब 1 हो गया, जो छूट गया वो कराऊंगा 17-19 वाला, आज कराऊंगा लास्ट में, ठीक है 17-19 वाला डिविजिबिलिटी कराऊंगा, लग जाओ। तो मैंने क्या कहा कि 100% का मतलब 1 है बेटा, गॉट इट? 100% का मतलब क्या है बॉस? 1 है। इस पॉइंट को क्लियर है सबको कि 100% का मतलब है सर जी 1, गॉट इट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो फास्ट एवरीवन, ठीक है। 100% का मतलब है साथियों 1, 100% की वैल्यू 1 है, ये सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हाँ या ना बोलो, अगर नहीं आया तो ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें वही निकालना सीखना है। तो जैसे मुझे 50% निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 50 × 1/100, आंसर 1/2। मैंने कहा 40%, तो आप कहोगे 40% का मतलब 1/20 × 20 से 5। आपने कहा 60%, आ रहा है समझ? आपने कहा 35%, तो 5 7 गया। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो क्या करेंगे? यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो देन जैसे मैंने आपसे कहा 16 × 2/3% को बताइए, तो आप पहले इसको सही से लिखोगे, 16 × 3 = 48 अब बदलना है इसको तो परसेंटेज का मतलब 1/50 से तो हाउ इज दैट? एनी कोई डाउट? कोई डाउट अगर है तो अभी पूछ लो, मैं नहीं चाहता कि हम आगे चल के डाउट पे डाउट खेले। नहीं, मैंने कहा 37.5, तो 37.5% का मतलब 1/100.0, 5 से काटा 25 × 25 = 125, 25 × 100, 25 × 100, 5 से काटा 3 बार 5 से। अब वो अलग बात है कि हमें याद है, लेकिन याद नहीं है तो निकाल सकते हैं, मैंने ये कहा। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू भूल गए तो कोई दिक्कत किसी को? जैसे आपको नहीं पता, आपने कहा सर मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी होती, मुझे भी नहीं पता, तो आप इसको निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? 1/100, पॉइंट हटा 0, पच्चीस × 75 = 25 × 125 × 100, 25 × 100, 5 7 = 5। यानी अगर याद नहीं है तो निकाला जा सकता है, डन विदाउट। फिर से आइए कि किसी भी परसेंटेज को अगर
फ्रैक्शन में बदलना है तो मल्टीप्लाई 1/100 से कर देंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? जिनको समझ में आ गया था, किसी को भी करना है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, एक बार हाँ या ना बोलो कि कोई भी नंबर अगर आपके पास में, कोई भी नंबर है, एनी नंबर यार, फर्स्ट ठीक है, कोई भी नंबर हो ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ सवाल है मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, शॉर्ट ट्रिक जैसे मान लीजिए, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्या है। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली जो है वो ये है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि या तो हम याद कर ले, कुछ चीजों को हम याद कर लेते हैं वो शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, लेकिन अगर याद नहीं है तो निकालना आना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक फ्रैक्शंस होते हैं जो हम याद कर लेते हैं, एक होते हैं बेसिक फ्रैक्शन। तो बेसिक फ्रैक्शन जो होते हैं बेसिकली हम लोग याद कर लेते हैं, तो याद करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे आपने कहा सपोज कीजिए 92% का मतलब बताओ, अब आपको याद नहीं है तो आप सीधे कहोगे 92/100, 4 से काटा 4 दुनिया 8 4 3 12, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। तो जो याद है अच्छी बात है, याद नहीं है कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हो, अभी मैं आगे पूरे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाते हैं। 100% की वैल्यू होती है 1, ये बेसिक फ्रैक्शन है। 50% का मतलब होता है 1/2। 33 1/3% का मतलब, 16 सही 2/3%। ये बेसिक फ्रैक्शन अगर आपने याद कर लिए तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा इस कंपेरेटिवली। 12 1/2%, 1/8, 11 सही 1/9% और 11.11%। ठीक है, एक बटे 11, 8.33%, 1/12। तो ये बेसिक फ्रैक्शन की लिस्ट में आपको बता रहा हूं कि बेसिक फ्रैक्शन है ठीक है। अगर ये आपने याद कर लिए तो आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा। उसके अलावा ये हो गया 1/12 16, 1/15, 6 1/4%, 1/16, 37.5%, 3/8, 75%, 3/4, 62.5%, 7/8। ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं। एक बार सारे बच्चे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये सारे फ्रैक्शन बेसिक हैं। बेसिक का मतलब कि ये याद होने जरूरी है, अगर ये हमें याद है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ये बेसिक फ्रैक्शन। अब बात आती है कि इस बेसिक फ्रैक्शन के बाद, ये तो बेसिक हो गया, अगर आपसे कहा जा रहा है 106 2/3%, अब आप क्या करोगे? इतना बड़ा तो आप निकाल नहीं सकते, आओ नोट कर लेते, 1 मिनट सारे बच्चे नोट कर लो, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। डन, नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट लो, जो आपका मन करे। अब मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को आप ब्रेक कर लो, 100% ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 1/15, तो सॉल्व किया 15 और 1। तो एग्जाम में अगर कहीं पर ये चीज लिखी है तो उसके बदले आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है।
एग्जाम में अगर कहीं पर 106 2/3 लिखा है तो उसके स्थान पे आप ये लिख सकते हो 15 हाउ। अभी इसकी वैल्यू तो मैंने बताई ना पीछे, ये देखो बोलो। सही है। अब मैं आपसे पूछूं, आंसर दीजिए। तो आप क्या कहोगे, 200%? तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म दो होती है, क्योंकि 100 की एक हुई, 200 की दो हुई, इसकी 3/8। अब 3/8 कहां से आई, 8 × 16 और 3, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेस कीजिए, कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिए, जिसको डाउट है वही हैंड रेस करना, जिसको नहीं है वो मत करना, जिसको डाउट है वही हैंड रेस करना, जिसको डाउट है वही हैंड रेस करना, जिसको नहीं है वो मत करना। हाँ चंदन बताओ क्या डाउट है, क्या डाउट है? हेलो चंदन बताओ, चंदन बताओ सर, हमें थोड़ी सी आप तो रिवाइज करके रिपीट कर सकते हैं सर पीछे से थोड़ा सा? कौन सा तो कौन सा 106 से सर आप हमें फिर से बता दीजिए सर एक बार। अच्छा देखो, अच्छा देखो लाइन 106 जी। चंदन मेरी आवाज कट रही है सर आपकी थोड़ी। चलो मैं रिपीट, चलो मैं रिपीट, अब बताओ ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है ना? ओके ठीक है। तो मैंने कहा 106 2/3 को मैं नहीं लिख सकता हूं 100, 6 2/3, 100 को लिखा मैंने 1, इसको लिखा 1/15, कहां से लिखा, पीछे से, बेसिक फ्रैक्शन में से, 15 एक 15 और एक 16/15, ऐसी मैंने इसको लिखा 200 और इतना, तो 200 का मतलब 2, इसका मतलब 3/8, 8 × 16 और 3 19/8। एक और देता हूं, एक और 4, इसकी वैल्यू होता हूं 400% लिख सकते, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब अभी हमने कितना पढ़ा है 1/3, 4 × 3 = 12 और एक, सही है बेटा? हाँ या ना बोलो, कोई डाउट है तुरंत पूछो, अभी मैं फिर आगे चलूंगा, जल्दी बोलो, इसको डाउट है तुरंत हैंड रेस करो, कोई डाउट है तुरंत हैंड रेस करो। बताइए सर, एक्चुअली ये डाउट, जैसे 300 आएगा तो हम 300 प्लस लिखेंगे?
हाँ हम मतलब आपको जितने को मेरा कंसर्न क्या है, जैसे मान लो आपके पास आ गया थोड़ी देर के लिए 383.23% आ गया, ठीक है, तो आप इसको कितने हिस्से में तोड़ सकते हो, जो आपको आसान लगे उसमें तोड़ना है। जैसे कि आपने कहा अब इसको आप क्या लिखोगे, 300 भी लिख सकते हो, प्लस 50% भी लिख सकते हो, और प्लस 33.33% लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 3, इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/3। तो इसको ऐसी रखा 3 और 2 कितना हो गया 5/6, है ना, यस सर, 18 और 5 23/2। इसका मतलब एग्जाम में अगर ये लिखा है तो इसको ऐसे लिखा जाए। जी सर, हो गया सर, क्लियर हो गया। और कोई डाउट है किसी का तुरंत पूछिए। कोई डाउट है तुरंत आप पूछ सकते हो, देखो हमें बहुत जल्दबाजी नहीं है। हाँ सुशांत बताओ। सर नमस्कार, मैं एक साल में हूँ सर। हाँ बताओ। सर एक्चुअली मेरे को मैथ में अरिथमेटिक में मैं आपके साथ करता हूं तो मेरा हो जाता है, लेकिन जब अभी एसबीआई क्लर्क में दिया था तो उधर मेरा अटेंड बहुत ही कम गया, तो मैं वहां तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो मैं क्या करूं सर उसके लिए। अच्छा ये बताओ ये वाला जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ ये तो समझ में आ रहा है सर। तो अभी आप सर फोकस यही करो, देखो मैं क्या होता है कि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी। अभी आपको बस मैं इतना बेसिक करा दूंगा, उसके बाद जब यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करने आओगे ना मेरे साथ और मैं टेस्ट वगैरह प्लान करूंगा तो आपकी स्पीड भी आने लगेगी फिर। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं इसमें कोई डाउट है सर, इसमें भी समझ में आ रहा है थोड़ा सा। ओके सर, थैंक यू सर। तो बेसिकली मेरा कंसर्न है डाउट को लेकर ही आप लोग हैंड रेस करो, डाउट नहीं है तो हैंड रेस मत करो, ठीक है, सही यहां तक समझ आ गया। आप चलिए कुछ सवाल है, इस वाले का आंसर आप खुद से करोगे, इस वाले का खुद से करोगे और इस वाले का, 3 सवाल है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, बनाइए बनाओ। अरे ये क्या सुन रहा हूं, पहले वाले का आंसर बताइए, 437/2%, तो क्या लिख सकते हैं, 400%, 37/1/2%, इसका मतलब होता है 4, इसका मतलब 3/8, 4×8=32 और 3, सबका आंसर ये आया था। तो पहले वाले की फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 35/8, डन। देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये प्री के साथ साथ आपके मेंस में भी काम आएंगे, ये मत सोचना कि प्री प्री में ही काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, 500%, इसकी फॉर्म होती है 5 और इसका मतलब होता है 2/15 और 2, इसका बताओ 100%, 57/7। अब आपको 100% का मतलब 1, इसका मतलब क्या होता है, 4/7। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको, इसको फोल करो, 7×7=49, 35 और 4, तो ये लिख सकते हैं। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में फर्दर लेके आएंगे, बस प्रैक्टिस करने से क्या हो जाता है, चीजें याद हो जाती हैं। तो हम एग्जाम में इतना निकालेंगे नहीं, हमें दिमाग में सेट हो गया कि अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/7, तो 7 और 4
अब कोई भी नंबर आया, कोई बहुत बड़ा फ्रैक्शन है, उसे आप परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे बोलो यार, कोई डाउट है? जिसको डाउट है एक बार हैंड रेस करो, जिसको डाउट है वही करना, जिसको डाउट नहीं आलतू फालतू कमेंट नहीं सुनूंगा मैं, जिसको डाउट है वही करना, जिसको डाउट नहीं है वो मत करो हैंड रेस। बताओ प्रकाश, प्रकाश बताओ क्या डाउट है? सर, प्रकाश डाउट बताओ, प्रकाश आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। 136 बेटा, प्रकाश आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जिसको डाउट होता है ना वही हैंड रेस किया करो, और कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इसलिए आप कनेक्ट कर पाओगे मुझसे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलो आगे चलते हैं, नहीं कनेक्शन बन पा रहा है। तो बेसिक फ्रैक्शंस आपको बहुत जरूरी याद होना, 66 2/3% नोट कर, ये सब बेसिक में आता है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब आता है, ये तो आपने कन्वर्ट किया, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, लाइक जैसे 11/7 है, हम फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11/7, इसको भी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको लिखिए 1+4/7, लिख सकते हैं ना। तो 1 का मतलब 100%, 4/7 का मतलब, तो इसका मतलब हो गया, ठीक। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अब जैसे ये लिखा है आपने, कितनी बार जाएगा? 8 × 32, 8 × 4 बार, 4 का मतलब 400%, 5/8 का मतलब 62.5, तो आंसर हो गया, ठीक। 4/7 अभी तो बताया था पीछे, यार इसको ब्रेक करो, 7 × 1 = 7 प्लस 4 बचा जो रह गया, 1 = 100, 4/7 अभी तो बताया था पीछे, तुरंत भूल गए क्या? अभी तो समझाया था, देखो फिर से आपने क्या कहा, इसको आपको परसेंटेज में बनाना है, तो आपने क्या कहा, 11/7 को डिवाइड करो, 7 × 1 = प्लस 4 रिमाइंडर बचा, तो 1 का मतलब होता है 100%, 4/7 का मतलब अभी तो पीछे पढ़ा था हमने, इसका मतलब 8 × 32, 4 का मतलब 400%, 16 × 5 = 80, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो 16 × 5 = 80 प्लस 5/16, तो 5 का मतलब 500%। अब 5/16 का मतलब नहीं पता किसी को, तो बताइए 5/16 का मतलब होता है कितना, बताओ क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है 31.25%, नोट कर लेना इसको, आज तो याद कर लेना, 31.25% का मतलब 5/16, जितना ज्यादा आपकी, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं,
अगर आपके दिमाग में सारे नंबर सेट हो गए तो आपका काम और आसान हो जाएगा। How's that? बोलो। तो मेरा कहना क्या है, देखिए मेरा मकसद ये है कि अगर आप याद कर लेंगे, अभी आप में से बहुत लोग प्री के बाद मेंस भी दोगे ना, प्री प्री देने की इरादा तो नहीं है किसी का कि हम प्री प्री देंगे सर, भाई जाहिर सी बात है प्री के बाद मेंस भी दोगे। तो जब प्री के बाद मेंस दोगे तो वहां इतने बड़े बड़े फ्रैक्शन इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शन, मजा आएगा आपको। ठीक, अंगूठा ऊपर, फास्ट। ठीक, अब कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब कितना होता है, 1/12 144, इसका मतलब 1/16 256, तो 12 से काटा 12, यानी अगर मुझे फ्रैक्शंस पता है इनकी तो आंसर कितना इजी है, और नहीं पता है तो फिर मैं क्या करता रहूंगा, परेशान हो जाऊंगा। 25/3 करके भी कर सकते हो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लो आप अपना ही टाइम बढ़ाओगे मेरी तरफ से, कर लो ये लो। तो बात तो वही पड़ी, क्यों इतने स्टेप बना रहे हो बेटा। दीपक पाल मैं तुम्हें बता रहा, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो वरना जाओ, तुम्हारा मैं हमेशा एंटरटेन करता हूँ। सर हैंडरेज दिख रहा है आपको, मेरा डाउट है क्वेश्चन में, अरे रुक जाओ बताऊंगा भाई, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो ना दीपक, और भी लोग पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन तुम पेश करते हो पागल हो जाते हो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर इसका ध्यान नहीं है, बस सर मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, बहुत औरों के भी सवाल है ना मेरे भाई, फिर सवाल तो सभी के बता रहा हूं, रोज तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा एक सवाल है, सर मेरा एक, भाई जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको समझ लो, वो सवाल भी नहीं रहेगा। एक ही क्वेश्चन, एक ही कमेंट को तुम 10 बार पोस्ट करते हो, 10 बार पोस्ट करते रहते हो, पढ़ने आए हो, नौकरी लेने आए हो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, सिलेक्शन लो निकलो। पिछले 5-6 सालों में मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा दिया, मुझे खुद भी याद नहीं उनका नाम, आज सिलेक्शन लेके नौकरी में बैठे हैं, ऐसी घूमना घूमना करते रहोगे तो हो गया सिलेक्शन, पढ़ा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दो ना। एक क्वेश्चन को तुम 10 बार कमेंट करके कॉपी पेस्ट डालते रहते हो। नेक्स्ट आइए बनाइए, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, इसकी फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 11 1/9%, ये होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से करेंगे, जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 3 से, तो इसका मतलब 4 से करेंगे, इस वाले की बात हो रही है, 4 से, 5 से करेंगे, डन। तो आपने ये चीज सीखी, इसका मतलब कितना होता है, 1/3, इसका मतलब 1/4, इसका मतलब 4/9, नाउ सॉल्व इट इजी, 3 × 2 = 6, 17 × 3 = 15, 3 × 7, 4 × 9 = 8, 8 × 2 = 32, माइनस किया 8 जोड़ दो, हाउ इज दैट। राजवर्मा मैंने क्या कहा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म तो मैंने अभी आपको बताई है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आपको बताई है, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मैंने आपको बताई 4/9, बस सॉल्व कर दिया, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है, बस याद। देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, अभी मैं लास्ट में जब सेशन एंड करूंगा मैं आपको पूरी एक टेबल दूंगा कि कौन सी याद करनी है, डोंट वरी,
मैं पूरी एक टेबल आपको दूंगा इस टेबल को कि आप उसका आपको काम में याद करने का। जैसे ये तो बेसिक है ही, जैसे ये बेसिक है 11 1/9, इसका मतलब ये बेसिक है। अब इसमें चार की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44 4/9 जो हो जाएगा वो 4/9 हो जाएगा। और फ्रैक्शंस अगर आपने याद कर लिए तो बैंक छोड़ो, एसएससी छोड़ो, आप रेलवे बहुत जगह आने लगा है, कुछ अब तो बहुत जगह आने लगे हैं फ्रैक्शन पे सवाल। पिछले 2-3 सालों में फ्रैक्शन पे एग्जामिनर प्री के साथ साथ मेंस पे भी सवाल देने लगा है। इसका मतलब तो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि 100% बताया था ना अभी, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1+4/7 11/7 बताया था, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हो गया 11/7 42 प्लस 28, इसका मतलब 5/8 solve it now 7 6 42। छ और आठ 14 5 19 और 6 25 का 5 कैरी 2 और 6 8 10 15 2 17। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, तो कर लोगे एक बार, हाँ ना बोलो। ये परसेंटेज जो कन्वर्जन है आपको समझ में आ रही है? बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हाँ ना बोलो। यहाँ तक के लेक्चर में कोई डाउट अगर है तो पूछो, लेट्स हैव अ कॉल। यहाँ तक के लेक्चर में कोई डाउट है हैंड रेज कीजिए, लेट्स हैव सम कॉल नाउ। चलिए कंप्यूटर जी फोन लगाया जाए, देखते हैं हमारी लाइव पे कौन है। तो चलिए बात हो रही है कमल से। हेलो सर। हाँ बताओ कमल। हेलो सर। सर ये कैसे हो सर, ये एक बार बता दीजिए ना, 157 1/7 का सर। कमल तुम क्लास को भी कंटिन्यू देख रहे हो, बीच में जाते नहीं रहोगे? नहीं नहीं सर, कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे समझाया था, देखो कमल आगे कमल कमल देखो समझाया था ना मैंने। वन हाँ सर, 11/7 11/2 होगा सर। 2 क्यों होगा मुझे बताओ, 2 क्यों होगा? इसको ब्रेक कर सकता हूँ 100 में और इसमें कर सकता हूँ कमल। हाँ हाँ सर, तो 100 को क्या लिखूंगा 1, इसको क्या लिखूंगा 4/7, 2 कहां से आएगा नीचे? सर ओ सर मुझसे गलत हो गया, सॉरी सर। नहीं हो क्या? नहीं नहीं सर। क्या कर रहे हो तुम बताओ, क्या अभी क्या कर रहे हो तुम अभी? अभी तो सर बैंक का एग्जाम कर रहे हो सर, यही प्रिपरेशन चल रहा है अभी। अभी क्या कर रहे थे तुम जब पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर, मैं गलत लिख दिया था इसलिए सर। चलो जल्दी में जब भी किसी को कॉल लगाते हैं तो मेरे को लगता है आवाज भाग जाती है।
ठीक है, कॉल लगाना बंद करो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में सबको आ गया होगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ फ्रैक्शन की लिस्ट बना दे रहा हूँ, एक फ्रैक्शन की पूरी लिस्ट बना दे रहा हूँ, वो आपको नोट कर लेनी है, वो आपको क्या करनी है लिख लेनी है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लिस्ट नाउ, एक लिस्ट हम लोग बना दे रहे हैं फ्रैक्शन की पूरी एक लिस्ट। उस फ्रैक्शन की पूरी लिस्ट को आपको समझ लो, या तो याद करना है, ठीक है, या तो याद करना है या फिर उसको आप नोट कर लेंगे, लेकिन वो लिस्ट आपके बहुत मतलब काम आएगी, कह लो, क्योंकि फ्रैक्शन की जो लिस्ट है वो बहुत जरूरी है। आप लोग उसका तो स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, इसमें सारे फ्रैक्शंस हैं, ऑलमोस्ट सारे फ्रैक्शंस हैं। मैं अपने आप, मुझे हाइड कर लो एक बार, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, मैं अपने आप को हाइड कर दिया, ठीक है, मैं हाइड कर दे रहा हूँ, आप मुझे हाइड भी कर सकते हो। चलो इसको नोट कर लो, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, फटाफट से हाइड, मुझे हाइड कर लो। डन हो गया, ठीक है। अगर किसी का अभी भी छूट गया ना मेरे भाई, तो अब मैं फिर पूछूंगा, एंटरटेन नहीं करूंगा, सर ये कहां से है, वो कहां से है, ठीक है, सही है बॉस। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बनाइए, आप खुद करोगे, बनाओ, देखते हैं पहला आंसर कौन सबसे तेज करता है। इसका मतलब पीछे देखो, मैंने कहा ना, इसलिए कह रहा हूँ कि याद कर लो, याद नहीं कर तो टेबल मैंने आपको लिखवाई सब है इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब 81.25 लिख लो, इसको लिख लो अगर नहीं है तो 50% प्लस, दो तीन चीजें और लिख लो इसमें, कुछ 81.5 तो 8/5 13/16 अब अलग बात है डिविजिबल नहीं है, ये अलग बात है कि डिविजिबल नहीं हो रहा है, पर ये एक्चुअल में वैल्यू थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, वो अलग बात है। डन, हाँ ना बोलो यार, ये अलग बात है कि डिविजिबल नहीं है, बट मेरा कंसर्न डिविजिबिलिटी का नहीं है, मेरा कंसर्न है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, अगला सवाल। हाँ वो तो बात की बात है, आप कॉमन लो ना लो, वो तो मैं सॉल्व कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बस फ्रैक्शंस बता रहा हूँ, ये और ये, ये और ये, ये 0.50 है, बनाओ। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, 100% थम्स अप यार, फास्ट
इसका मतलब एक एक बाई छ, 7/6। नौ बटे आठ। सॉल्यूशन आप पे छोड़ दे रहा हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं। एवरीवन से यस और नो, मुझे सॉल्यूशन से नहीं मतलब है, मुझे आपको तरीका बताना है बस। डन, अगर हो रहा है तो मैं आगे चलूं। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। बोलो, एक खुशी बोल रही है कि 66.6% का मतलब होता है 6/9, तो मैंने मना नहीं किया, इसी को काट के 2/3 लिख देते हैं। खुशी आप सही हो, उसी को 2/3 कर देते हैं। 2 से काट लो ना उसको, 3 से काट लो। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, शाबाश। इसका मतलब, इसका मतलब फंसेगा 41.66। इसको देखो लिखा है 41.66, नहीं लिखा, लिख लो क्या मतलब होता है 41.66 का। 41.66 का मतलब क्या होता है बताओ, 5/12। नोट कर लेना जितने भी फ्रैक्शन बता रहा हूं, ये सारे के सारे इसके बाहर एग्जाम में कोई नहीं आएगा, इसके बाहर एग्जाम में कोई नहीं का मतलब कोई नहीं आएगा, ठीक है। आइए, इसका मतलब कितना होता है 5/16। पांच बटे बारह 576। अब इसका मतलब बताओ, 9.09% का मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो। सॉल्यूशन तो खुद कर लोगे अब मेरे हिसाब से ना, सॉल्यूशन का इश्यू नहीं, सॉल्यूशन तो खुद कर लोगे भाई, कैलकुलेट कर लेना। ये आपको फ्रैक्शन समझ में आ रहे ना इनके, आए ना, बोलो ठीक है। अगला सवाल देखिए, बनाइए 28 1/3% घूम गए, बनाओ। मैं चाहता हूं, मेरा आज बस मकसद ये है कि जब मैं कल परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि परसेंटेज पढ़ने के बाद कोई बच्चा बोले ये चीज कहां से आई सर, वो चीज कहां से आई सर। कल जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा सर ये कहां से आया वो कहां से आया। ब्रेक करो, तो 17/60 कुछ जीवन नहीं है, इसको यहां ले आओ। सॉल्व कर लेना, थम्स अप फास्ट। एवरीवन फास्ट, ठीक है। अगला सवाल बनाइए, मतलब मजा आ रहा है ना आप लोगों की, अब फ्रैक्शंस टेबल्स। इसका मतलब मैंने अभी बताया था 6.66%, इसका मतलब 7/8, तो ये हो जाएगा 1 और 6.66 1/15। कहां बताया था,
16/15 सॉल्यूशन बात की बात है कि आंसर पॉइंट में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसी कट रहा नहीं कट रहा डजंट मेक डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता सही है ठीक है तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा एक बार जरा जल्दी से सारे बच्चे हाँ करके बताएंगे सर इतनी बातें समझ में आ गई है फटाफट से एक और सवाल ये बीच में प्लस है ट्राई करेंगे आई एम हो गया आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 5/16 इसकी वैल्यू 5/12 16 45 60 105 में से 3 गया तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो कर लोगे एक जल्दी से हरी अब कर लोगे मतलब ये वाला फॉर होमवर्क डन इतना समझ में आ गया सबको एक बार अंगूठा अब अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे फ्रैक्शन पर कि ए इतना परसेंट कम है बी से और बी इतना कम है सी से ए और सी का रेशियो अभी कम और ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट क्या है लेस और मोर देन कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से लेस मोर देन कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसको क्लास करनी हो जा सकता है लेस और मोर देन कॉन्सेप्ट होता है मैंने कहा कि मैं आपसे ज्यादा हूं तो मैं आप अपना कंपैरिजन मैं आपसे कर रहा हूं तो आप क्या हुए बेस हुए मैं अपना कंपैरिजन आपसे कर रहा हूं ना तो यानी आप क्या हुए बेस हुए अब बेस मतलब आप आधार हो किसी चीज को कंपेयर करने का एक आधार होता है दुनिया में हम किसी को भी किसी से कंपेयर करते हैं तो किसी बेस पे तो करते हैं सही बात है गलत बात एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत प्रैक्टिकल एक लड़का है लड़का अभी हाल ही में बैंक में लगा एग्जाम्पल आप में से कोई लड़का है उसका बैंक में सिलेक्शन हुआ बैंक में सिलेक्शन होने के बाद लड़का लड़की देखने गया शादी के लिए तो लड़का
लड़की देखने गया शादी के लिए, उसने एक लड़की देखी, फिर उसने दूसरी लड़की भी देखी, तो अब उसको इन दो में से किसी एक को चूज करना है, तो वो भी तो दिखेगा ना, अरे यार नहीं ये लड़की थोड़ी अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी कम है, एग्जाम्पल दिल पे मत लेना, यानी वो कंपेरिजन जब करेगा तो किसी बेस को लेगा ना, तो जिससे कंपेरिजन होता है वो बेस वैल्यू होती है, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आप भी कंपेरिजन करते हो यार अरुण सर अच्छे नहीं है, वो सर अच्छे हैं, तो यानी आप किसी और को अगर अच्छा बता रहे हो तो उसका बेस अरुण सर है, गलत है, या आपने कहा कि वो टीचर खराब है अरुण सर अच्छे, इसका मतलब क्या हुआ कि अरुण सर अच्छे तभी है जब कोई दूसरा खराब है, एग्री, मतलब प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई चीज खराब है तो तभी तो अच्छी, अगर खराब ही नहीं होती तो अच्छी भी नहीं होती, बोलो हाँ या ना, फास्ट। एवरीवन ठीक है, तो क्या कहा मैंने, जिससे कंपेयर करते हैं वो बेस होता है, जैसे मैंने कहा ए इज इसका मतलब क्या हुआ कि ए इतना परसेंट कम है बी से, इसका मतलब क्या हुआ, 1/12, यही तो मतलब है, आपने पढ़ा पीछे, तो कंपैरिजन आप बी से कर रहे हो ना, तो बेस वैल्यू नीचे वाली होती है, बेस वैल्यू हमेशा नीचे होती है, बेस वैल्यू हमेशा नीचे होती है, तो इसका मतलब नीचे कौन है, बी, तो बी अगर 12 है तो 12 से एक कम है तो ए बेसिकली 11 हो गया, डन, बोलो आया ना, दोबारा तो नहीं बता रहा, मैंने कहा जिससे कंपेयर करते हैं वो बेस वैल्यू है, तो ए अगर कम है किससे, बी से, मैं आपसे छोटा हूं, देखो हो सकता है कि जैसे बोलते ना कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम छोटे हो, क्योंकि आपने किसी को बेस रखा है तभी तो पता चला ना कि तुम छोटे हो, एग्री और नॉट। मेरे पास दो रिमोट है, एक मेरे पास फैन का है, एक मेरे पास एसी का रिमोट है, तो मैंने कहा ये रिमोट की हाइट ज्यादा है, कैसे भाई इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो बेस जो होगा वो हमेशा नीचे आएगा, एग्जाम्पल ए इज मोर देन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब बोलो यार मुझसे बोलना है, 1/6, तो भाई साहब ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए प्लस बी से, तो अगर ए प्लस बी 6 है तो ए बेसिकली 1 ज्यादा है, 7 है, ऐसा बोल सकते हो, तो बी कितना हो जाएगा, अगर ए 7 है तो बी कितना हो जाएगा, -1। कमेंट फास्ट, बोल सकते हैं यार, छोटे छोटे पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, लेस देन मोर देन, मतलब क्या हुआ इसका स्टेटमेंट, हाँ क्वेश्चन भी लेके आऊंगा ढूंढ भाई, मैं पहले समझा दे रहा हूं, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो फिर कोई मकसद ही नहीं है, तो B is इतना परसेंट मोर देन C, इसका मतलब होता है बेटा 1/3, B को कंपेयर किया जा रहा है C से, नीचे वाली वैल्यू C अगर 3 है तो 3 से 1 ज्यादा है, how's that, आप में से कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गई, थम्सअप थम्सअप थम्सअप, ठीक है आप सवाल के साथ करते हैं, पहला क्वेश्चन आप खुद ही बनाएंगे,
कि ए इतना परसेंट कम है बी से, इतना मतलब। तो आपने कहा इसका मतलब होता है 1/12, तो बी अगर 12 है तो ए बेसिकली 11 हो गया इसका। कोई दिक्कत? मैं फिर से कह रहा हूं, कोई दिक्कत है तुरंत पूछो नीचे 4 कैसे हुआ बेटा। यार फिर वही बात है, बी को कंपेयर सी से कर रहे हैं तो सी आपका 3 हुआ ना, कंपैरिजन तो सी है 3, एक ज्यादा है तो 4 हो जाएगा दीपक। अब देखो बी इतना परसेंट कम है सी से, इसका मतलब 1/6 सी से कंपेयर कर रहे, तो सी अगर 6 है तो बी उससे 1 कम है, बी 5 हो गया, 6 से 1 कम है 5। ये दोनों स्टेटमेंट समझ आए कि नहीं आए? दोनों स्टेटमेंट समझ आए कि नहीं आए? नहीं आए? क्या नहीं आए बेटा मुझे बताओ ना, क्या नहीं आए? मैंने आपसे क्या कहा? फिर से रिपीट, मैंने कहा ए इज, पता नहीं आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, 8.33%। भाई साहब ए को कंपैरिजन बी से कर रहे हैं ना, तो बी बेस वैल्यू हुई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/12, तो नीचे वाली वैल्यू बी होगी जिससे कंपेयर कर रहे हैं, 12 से 1 कम है, ठीक। अब भी नहीं आया समझ में? तो वही चीज तो मैंने आपसे कही कि ए को कंपेयर बी से किया जा रहा है, तो बी अगर 12 है तो 1 कम है, क्योंकि इसका मतलब 1/12 होता है। दूसरे में मैंने कहा बी इतना कम है सी से, तो सी अगर 6 है क्योंकि इसका मतलब 1/6 होता है, तो बी 1 कम हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा। अब भी नहीं क्लियर हुआ? अब भी नहीं हुआ तो बेटा एक काम करो, जाओ नींद दो आराम से, ठीक है। अब बी यहाँ पे 12 है, बी यहाँ पे 5 है, तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई 12 से, तो ए हो जाएगा 55, बी हो जाएगा 60, बी हो जाएगा 60, सी हो जाएगा 72। तो रेशियो ए और सी बोल रहा है, बताओ कमेंट फास्ट। जिनको नहीं आ रहा है वो घर पे जाके रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे। एक और इस स्टेटमेंट को, ये तो बताइए आपको, ए को कंपेयर कर रहे हैं ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी अगर 12 है तो ए उससे 1 कम है, डन। तो बी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 12 और 1 11 और 1 12, डन। स्टेटमेंट फर्स्ट क्लियर है भाई साहब? स्टेटमेंट फर्स्ट क्लियर है? बी प्लस सी इतना मोर देन सी है, इसका मतलब 1/6, तो बी प्लस सी को सी से कंपेयर कर रहे। तो मैंने कहा कि अगर आपका सी 6 है, सी आपका नीचे वाला होगा, तो 1 ज्यादा है, तो यहां पे बी प्लस सी साथ है, तो बी कितना हो गया यहां पे, बी 1 हो गया, सी यहां पे 6। अब आपने कहा टेक्निकली दोनों जगह बी बराबर है, बी यहां पर बी 1 है, बी यहां पर, तो ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 1 है, ए बी सी का रेशियो। नेक्स्ट समझा? बेस्ट
बी वन कैसे हुआ? अरे यार अगर सी आपका 6 है, बी प्लस सी आपका एक ज्यादा है तो 7 हो गया, तो बी प्लस सी 7 है, सी जिसमें 6 है तो बी एक ही तो होगा, रेशियो आपसे पूछ रहा है एबीसी का, ये रहा रेशियो। डन, थम्स अप एक बार हाय ना बोलो, कोई डाउट एक बार जरा हैंड रेस कर ले, वो बात करते हैं, लेट्स हैव अ टॉक। कोई डाउट एक बार कॉल फिर से एक बार, कोई डाउट है हैंड रेस? हाँ क्लास 130 पे, हाँ डेली होगी क्लास आपकी। चलिए अगला सवाल बनाइए। ए इतना परसेंट है बी प्लस सी प्लस डी का, सी इतना परसेंट कम है, इतने का सी इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन बी। मैं आपको बता रहा हूँ प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा ये कॉन्सेप्ट्स, तो इसको बहुत ध्यान से सीखो। कुछ बच्चे बुक के लिए बात कर रहे हैं, सर कौन सी बुक खरीदें? तो हिमांशी या जितने भी लोग, चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं खुद की किताब निकाल रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो किताब अभी फिलहाल मत करो, परचेज करो, ठीक है? अभी जो पढ़ा रहा हूँ बस उसके उसको पढ़ो, उसके पीडीएफ करो। चलो हाँ, ए इतना परसेंटेज बी प्लस सी प्लस डी का, तो इसका मतलब होता है एक तिहाई, अगर 3 है तो ए उसमें एक हो जाएगा, क्योंकि भाई कंपेयर तो बी प्लस सी प्लस डी से कर रहे हैं ना, तो नीचे वाला वही तो होगा। सी इतना कम है ए प्लस बी प्लस डी से, इसका मतलब 1/6, तो आपने कहा ए बी और डी अगर 6 है तो सी भाई साहब 5 है, क्योंकि एक कम है। अब देखिए यहां पर ए बी सी डी 4 है, ए बी सी डी 11 है, तो बराबर होने चाहिए, यहां 11 से कर दो, जब आपने बराबर किया तो आपने कहा बी सी और डी, 11 से करेंगे 33, अब सॉल्व कीजिए, ए आ गया, सी इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन, इसको इससे कंपेयर कर दे तो नीचे 11 आएगा, कितना ज्यादा है, 9, तो 9/11 की वैल्यू आपको पता होगा 81.81। नहीं आया समझ? संध्या बोल रही है सर ऑलवेज वन एज्यूम करते हैं लेस, नहीं देखो जैसे क्या होता है संध्या, मैंने क्या कहा संध्या सुनना, लिखा है कि सी इतना परसेंट, देखो लिखा है संध्या की सी इज ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब संध्या क्या होता है कि इसकी फ्रैक्शन फॉर्म 1/6 है, फ्रैक्शन से मतलब है, तो जो नीचे है वो तो ये चीज हो गई कि ए बी और डी जो है वो तो 6 हो गया, तो जितना ऊपर है उतना ज्यादा और कम होगा, जो चीज ऊपर है ना वही चीज क्या होगी, ज्यादा और कम होगी, तो एक कम है 5 होगी। अगर सपोज कीजिए इसकी जगह होता, सपोज कीजिए इसकी जगह ऐसा लिखा होता, तो क्या करते हैं कि इसका मतलब होता है 3/8, तो 8 तो नीचे वाला इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ए बी और डी वो तो 8 है, 8 से 3 कम है तो सी 5 हो जाता। अब आ गया समझ कि फ्रैक्शनल वैल्यू पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा है कितना कम है।
ठीक है, तो वही चीज मैंने आपसे कही कि ए इतना परसेंट था, यहाँ पे परसेंट है कम, यहाँ ज्यादा कम नहीं बोला है, देखो यहाँ बोला ए इतना है, इसका मतलब एक बाई तीन की, अगर वो तीन है तो वो एक है, दो नहीं होगा ना फिर यहाँ पे, तो ये तीन है ये एक हो गया। अगर लेस मोर बोलता तो लेते ना फिर, अगर लेस मोर बोलता तो लेते, यहाँ पे लेस बोला है तो इसलिए छह को पांच कर दिया, और बाद में मैंने कहा ये ए वन हुआ, तीन और एक चार हो गया, पांच और छह ग्यारह, तो बैलेंस किया, तो ये अब देखो यहाँ 44 है, यहाँ भी 44 है, तो इसलिए इसको इससे कंपेयर किया, नौ ज्यादा है 11 से। राज वर्मा अभी तो बताया मैंने कि वन माइनस नहीं करते, वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, इस वाले को बनाओ, इसमें काफी हद तक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए जो है इतना परसेंट कम है ए प्लस बी से, इसका मतलब 1/6, तो कंपेयर ए प्लस बी से कर रहे हैं, अब देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो होगा वो नीचे वाला होगा और वो उससे एक कम है, ए अगर पांच हुआ तो बी कितना हो जाएगा, वन, बी प्लस सी इतना परसेंट मोर देन सी, 2/3, सी से कंपेयर कर, तो सी अगर तीन है, बी प्लस सी तीन से दो ज्यादा है, बी प्लस सी पांच है तो बी कितना हो जाएगा, टू, अब बी वन है टू, यानी यहां मल्टीप्लाई टू से कर, अब बी इक्वल हो गया, तो फाइंड ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सी, ए ये रहा 1% ऑफ सी, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट लगे तो एक काम करना, इतना सेशन रिकॉर्डिंग देखना, कल मैं आगे चलूंगा, परसेंटेज शुरू होगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आगे चलने से पहले ये नहीं चाहता कि यहाँ तक बच्चों को प्रॉब्लम हो, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रिकॉर्डिंग देखना, 4 बजे हमारी डीआई की क्लास होगी, तो 4 बजे डीआई की क्लास करनी, ठीक है दोस्त, ठीक है। और कोई सवाल किसी के हैं तो मुझे क्या कर सकता है वो, हाँ 17 और 19 का कल ही बताऊंगा, चलो कल याद दिला देना, अभी बहुत ज्यादा हो गया, इतना एक बार रिवाइज करना प्लीज, बड़ी रिवाइज जरूर करना, प्री के साथ साथ बेटा ये मेंस में भी काम आएगा, और ये फ्रैक्शनल टेबल जो मैंने बताई है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है प्लीज एक बार, क्योंकि देखो अगर आप चाहते हो वाकई में किस बार सिलेक्शन हो, प्री के साथ साथ मेंस क्वालिफाई हो, तो जरूरी चीज है यार, ठीक है चलो, बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई इशू किसी के पार्ट पे होगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब क्लासेस मेरी कहाँ होती है मैं सब बता देता हूँ, और क्लासेस के बारे में एक मिनट, मेरी और क्लासेस के बारे में जो बच्चे नए आए जिनको अनअकैडमी पे ही पढ़ना पड़ता है, जिनको बाकी नहीं पता होता, वो भी नोट कर लो कि मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ होती हैं। मेरी क्लासेस जो होती है वो बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर होती है, तो बैंकर्स वे को जाना, सब्सक्राइब कर लेना बेटा, यहाँ पर आप जाओगे मेरी क्लासेस में, आज की क्लासेस आप जरूर देखिएगा, और बैंकर्स वे पर मेरी क्लास होती है। बाकी इसके अलावा इसने मुझे फॉलो कर रखा होगा उसको मेरी स्पेशल क्लासेस, तो मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती है, तो स्पेशल क्लासेस का मैसेज आपके पास आ जाया करेगी, ठीक है, जब भी आपकी स्पेशल क्लास होगी आप बस मुझे फॉलो करके रखिएगा, ठीक है, तो जब भी आप मुझे बस फॉलो करके रखेंगे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस का भी वो आ जाएगा। अगर आपको मेरी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, यहाँ आप जाएंगे लेक्चर पे, 3 डॉट बने हुए हैं, डाउनलोड पीडीएफ,
सेशन अच्छा लगे तो डेडिकेशन के साथ हेड्स को डेडिकेट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी आज की क्लास, मजा आया ना? चलो बाकी कोई डाउट होंगे किसी को 4 बजे वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।